दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर किसी का TSH थोड़ा सा बढ़ाओ, नॉर्मल TSH होता है बिलो 4.5 या अप टू 5.5, उससे नीचे होता है लैब रेंज होता है, सुबह किसी के TSH मान लो 0.25 बढ़ाओ, रेंज का अपर है, तो ये बहुत माइल्ड हाइपोथायराइड होता है। नॉर्मली बुक्स में लिखा होता है कि जब तक TSH 10 से ऊपर क्रॉस ना करे अक्सर दवा की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज उसे बोलते माइल्ड हाइपोथायराइडिज्म यानी सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। पर कितने बार कोई मरीज सिम्टम होता है लाइक कोई वेट बढ़ रहा है, हेयर फॉल है, ड्राई स्किन है, तो कभी कभी उसमें आप शॉर्ट टाइम के लिए 6 महीने की दवा दिया जाता है। 6 महीने दवा दे के देखते हैं हम लोग कि इस दवा देने से कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। वैसे तो बेस्ट TSH रेंज होना चाहिए नॉर्मल, अगर 100 लोग TSH चेक कराइए आप नॉर्मल सोसाइटी में तो 95% लोग का TSH बिलो 2.5 होता है, तो बेस्ट TSH होता है बिलो 2.5। बट 5.5 या 6.5 बहुत बॉर्डर लाइन है, उसमें ट्रीटमेंट देने से फ़ायदा हो भी सकता है नहीं भी सकता है। पर अक्सर जब मरीज दवा स्टार्ट करते हैं तो मरीज क्वेश्चन पूछते हैं हमसे कि अगर दवा शुरू किया एक बार मैंने तो क्या दवा लाइफ लॉन्ग लग जाएगी, मुझे क्या लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी या बाद दवा छूट जाएगी। तो आप सब जान लो, जिसका भी TSH अबव 5 होता है और बिलो 10 होता है, इसका तो उसका ग्लैंड थोड़ा कम काम कर रहा, कई कारण होते हैं, या तो आपकी ग्लैंड शुरू थोड़ी वीक बनी है, या उसका ब्लड फ्लो कम हो गया है, या किसी बीमारी की वजह से ऑटोइम्यून बीमारी होती है, जिसमें कि एंटी TPO एंटीबॉडी और एंटी थायरोग्लोबुलर एंटीबॉडी, दो ब्लड में एंटीबॉडी होते हैं जो थायराइड को ग्रेजुअली डैमेज करते हैं, तो ये एंटीबॉडी थायराइड डैमेज करते हैं, बॉडी को रिपेयर करती है। तो अगर रिपेयरिंग एंड डैमेज इक्वल है तो TSH मेंटेन रहेगा 5.56 जो भी मेंटेन रहेगा। अगर बीमारी थायराइड डैमेज ज़्यादा कर रही है और रिपेयरिंग कम हो रही है तो आपकी अंदर हार्मोन बनाने की कैपेसिटी घटती जाएगी और TSH ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा। और कितने लोगों में रिपेयरिंग अच्छी हो जाती है और डैमेज कम होता है तो थायराइड वापस नॉर्मल आ जाता है। इसलिए बुक ने बोला कि अगर TSH मोर देन 5 हो बिलो 10 हो तो दवा स्टार्ट की जरूरत नहीं है, अनलेस कोई सिम्टम हो। अगर दवा स्टार्ट भी करते हैं हम लोग तो शॉर्ट टाइम 6 महीने के देते दवा देके देखते कि फ़ायदा हुआ सिम्टम या नहीं हुआ, एक्सेप्ट इन प्रेगनेंसी। अगर कोई प्रेगनेंसी प्लान करता हो है और TSH मोर देन 4 है तो दवा स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि बेस्ट प्रेगनेंसी के लिए TSH हम चाहते हैं बिलो 2.5। तो अब सवाल है कि ये मन का डर कैसे दूर करें, तो आपको बता दें हम आपको कि किसी को थायराइड मालूम नहीं है और उसको आप 25 की दवा दे दो तो उसकी बॉडी 25 कम बनाएगी बट TSH नॉर्मल रहेगा। जब आप दवा बंद कर दोगे तो फिर से बॉडी 25 बनाने लगेगी, रिपोर्ट नॉर्मल रहेगा। पर और किसी ग्लैंड वीक हो रहा, मान लो किसी को मान लो सपोज अंदर एंटीबॉडी डैमेज कर रहा, या उसको ब्लड फ्लो थायराइड की ग्रेजुअली वीक हो रही है, या ग्रेजुअली बॉडी थायराइड ग्लैंड टिश्यू वीक हो रहा, तो उसकी हार्मोन बनाने की कैपेसिटी ग्रेजुअली कम होती जाएगी। तो स्टडी में देखा गया है कि जिसका TSH 5 और 10 के बीच होता है, अधिकांश हम लोग दवा नहीं देते हैं, मॉनिटर करते हैं हर साल में, वो TSH चेक कराते हैं हम लोग, तो देखते हैं आउट ऑफ 100% हर साल 2% का TSH अबाउट 10 क्रॉस करता जाता है, तो उनको आफ्टर 10 दवा हम जरूर स्टार्ट करते हैं। तो आप दवा लो चाहे मत लो, आउट ऑफ 102% लोग का TSH अबाउट 10 क्रॉस करेगा और उनको दवा लेनी पड़ेगी। जब इनका फॉलोअप ऐसे 5 to 10 TSH वाला फॉलोअप किया गया तो 30% लोग TSH नॉर्मल आ जाता है, करीब 15-20% TSH उसी आता रहता है, एक दो आगे पीछे घूमता रहता है, बाकी अराउंड 40-50% मरीजों का TSH ग्रेजुअली हर साल, आज मान लो 6 है, अगले 7 हो जाता है, अगले फिर 8 हो जाता है, अल्टीमेटली 50% लोग का 25-30 साल में उनको थायराइड ग्लैंड काफ़ी कम काम करती है, उनको फ्रैंक हाइपोथायराइड हो जाता है, उनका TSH 10 क्रॉस कर जाता है। तो ये गलत धारणा है कि थायराइड दवा खाने से थायराइड बीमारी हो जाती है, ना, आपको बीमारी तब होगी जब आपके अंदर बीमारी प्रोसेस चल रहा है जिससे आपका ग्लैंड वीक हो रहा है। शुगर दवा शुगर नहीं खाने से होती है, बीपी खाने से बीपी नहीं होता है, ना थायराइड दवा खाने से थायराइड होगा परमानेंट। अगर आपकी बीमारी ग्रेजुअली थायराइड वीक कर रही है तो अल्टीमेट आपका थायराइड परमानेंट हो जाएगा, पर दवा खाने से ऐसा नहीं होगा। तो अगर आपको थायराइड के माइल्ड सिम्टम हैं, डॉक्टर थायराइड दवा लिख रहा है, तो आप जरूर लें बिना डर के लें। 6 महीने बाद बंद कर देखेंगे हम लोग कि दवा की जरूरत है कि नहीं है। आपने 6 महीने तक दवा थायराइड नॉर्मल रखेंगे फिर दवा बंद कर देंगे, बंद करने में थायराइड नॉर्मल रहा तो बात खत्म हो गई, अब बंद करने बाद TSH बॉर्डर लाइन रहा तभी दवा की जरूरत है, वॉच करो, बंद करो और ज़्यादा बढ़ गया तो दवा रिस्टार्ट कर देना। तो आई होप इस वीडियो से नॉलेज मिला कि दवा खाने थायराइड नहीं होता है, थायराइड बीमारी होने से थायराइड होता है।
और आपके जो जो मन में गलत धारणा उसको दूर हुआ होगा। और आप वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और हमें चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।